अस्सलामुअलैकुम प्रिया स्टूडेंट, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 17.3 का और क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया था, आज क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ फॉलोइंग। मीन्स हमें क्या वेरीफाई करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हम पहले क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है ए यूनियन बी, ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी। ठीक है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये कैसे होती है प्रॉपर्टी, ये ए यूनियन ये क्या मल्टीप्लाई जाके इससे करता है तो क्या हमें ए यूनियन ऑफ बी मिलती है, तो ए यूनियन ऑफ बी हुआ। और फिर ये यूनियन ऑफ सी होते हैं ये बाहर चले जाते हैं, हम डाल लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो आइए जो हम अभी पहले क्या करेंगे, बी यूनियन सी करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे उसकी यूनियन कराएंगे ए यूनियन पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट फर्स्ट टेकिंग टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी। ठीक है, पहले हम क्या ब्रैकेट सॉल्व करें, बी यूनियन सी करें, इट मीन्स बी यूनियन सी इज इक्वल टू बी यूनियन सी। हमारा क्या है, हमारे बी में मेंबर है 5, 10, 15, 20। ठीक है, और यूनियन करेंगे किसके साथ, सी के साथ। हमारे सी में है मेंबर 1, 2, 5, 10। ठीक है, अब दोनों की यूनियन करेंगे, बी यूनियन सी इजिकल टू क्या है 1, 2, 5, 10, ये 15, 20। ये क्या मिला हमें, ये हमें मिला बी यूनियन सी। अब हम क्या ए के साथ बी यूनियन सी की करेंगे, तो हम लिखेंगे ए यूनियन, ठीक है, बी यूनियन सी। ठीक है, तो इजिकल टू हमारी ए के क्या है मेंबर, ए के हैं 1, 2, 4, 5, 10, 20। ठीक है, यूनियन बी यूनियन सी क्या है हमारी, बी यूनियन सी ये है 1, 2, 5, 10, 16, 20। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या है हमारा 1, 2, 4, 5, 10, 16, 20। तो ये क्या थी हमारी, ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड काम करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे क्या है, वो है ए यूनियन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी। तो हम क्या अब राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारी है ए ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन ऑफ सी। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे, मीन्स ब्रैकेट करेंगे पहले, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर मीन्स यूनियन ऑफ सी। तो यूनियन ऑफ बी क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए में हमारे क्या है मेंबर 1, 2, 4, 5,
20 ठीक है, यूनियन अब बी में क्या है, बी में हमारे हैं 5, 10, 15, 20 अब दोनों की यूनियन करेंगे ए ए यूनियन बी इक्वल टू 10, 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 क्या मिला हमें ए यूनियन बी मिला ठीक है। अब हम क्या करेंगे ए यूनियन बी की यूनियन करेंगे सी से, तो हम क्या लिखेंगे ए यूनियन बी ठीक है यूनियन ऑफ सी इक्वल टू क्या है हमारी ए यूनियन बी हमारी है 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 ठीक है। ये हमारी क्या हुई ए यूनियन बी और यूनियन यूनियन ऑफ सी, सी हमारी क्या है सी हमारी है 1, 2, 5, 10 अब क्या करेंगे दोनों की यूनियन करेंगे तो हमारा क्या होगा ए यूनियन ऑफ बी ठीक है यूनियन ऑफ सी यूनियन ऑफ सी इक्वल टू हमारा क्या है 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 ठीक है। तो हमारी क्या ये कौन सी साइड थी, ये हमारी थी राइट हैंड साइड और हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे हेंस हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब जो है हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं हम छेद पर जो है यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लिखते हैं, बाकी